सतीश प्रकाश जी, वो एक गजनी आई थी मूवी, वो गजनी है ना, आप तो गजनी मोड में एकदम, आपको कुछ समझ दिख नहीं रहा, याद नहीं आ रहा है। ये बयान अखिलेश यादव ने दिए हैं भाई, जिन्ना की एंट्री, पाकिस्तान की एंट्री, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। मोदी, बीजेपी, योगी, अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, कहाँ कह रहे हैं आप, हिम्मत नहीं पड़ रही। बीजेपी के देखिए, शौकत भाई मुस्कुरा रहे हैं, शौकत भाई मुस्कुरा रहे हैं, बहुजन समाज मोदी बोल दे तो सबसे बुरा मुझे लगता है, और पाकिस्तान की बुराई कर दे तो आपको बुरा लगता है, पाकिस्तान के खिलाफ बोल दू तो आपको बुरा लगता है, इमरान के खिलाफ बोलने का। अच्छा ऑडियो और ऐसे नहीं, एक एक करके। हाँ शौकत भाई आ रहा हूँ, शौकत अली आ रहा हूँ, आ रहा हूँ शौकत अली आ रहा हूँ, शौकत एक मिनट, आ रहा हूँ एक एक करके। असल में मैक्सिमम लोग गैस उस पे हैं, एक मिनट रुके। हाँ चलिए, आप कंप्लीट कर लीजिए एक एक करके, फिर मनीष जी और फिर शौकत भाई आपके पास आऊंगा। स्काइप पर है ना गैस, तो ऑडियो वाला ऐप हो रहा है, एक एक करके। देखिए जी, देखिए अमन जी, हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव, देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ये तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। जो जनमानस के मुद्दे हैं, बेरोजगारी चरम पे है उत्तर प्रदेश के अंदर, महंगाई पूरे देश में चरम पे है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के सवाल है, कोरोना में इतने लोगों ने जान गंवाई है, ये सवाल है। एक बार लोग इसके ऊपर संकट मोचन मंदिर में हनुमान भक्त मरते हैं तो मरते रहे, मुसलमान सुनिए प्रकाश, मुसलमान ने सतीश प्रकाश जिनके परिवार के लोग मरे हैं ना बम में, उनको मालूम है, उनका दर्द देखो, जिन्होंने उनका दर्द देखो, वो उत्तर प्रदेश में मुसलमान नहीं है, उनका दर्द देखो जो बम में मारे गए हैं, देखिए अच्छा चलिए, बस 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 एक मिनट, बस 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 ठीक ठीक ठीक, अपनी जय जी एक मिनट, अपनी जय जी एक मिनट, नहीं नहीं वो ठीक कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, मुद्दों पे जाकर के रोज आप अटकाओगे, कम से कम मारे नहीं गए ना परिवार के लोग, पार्टी की ताकत है, परिवार के लोग कोई मारा नहीं गया, चलिए सतीश, नहीं नहीं कोई ना मरे भाई, कोई ना मरे, कोई हिंदुस्तानी की तरफ नहीं, खड़ा नहीं ना सीमा पर परिवार का आदमी, चलिए बस पूछो ना, उससे पूछो पाकिस्तान की सरकार है कि नहीं है, बीजेपी को लाख मिलेगा ये सवाल। तो सतीश प्रकाश जी, अखिलेश जी बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए पाकिस्तान जिन्ना की एंट्री करा रहे हैं, ऑडियो बंद, ऐसे नहीं बस, दुश्मन है कि बस नहीं है? अब ऐसे आराम से, तो सतीश प्रकाश जी आराम से बात करेंगे, सुनिए ऑडियो बंद है, सतीश सतीश ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आराम से एक मिनट, अपनी जय श्रवस्ती मैं डिबेट कर रहा हूँ ना, सतीश प्रकाश, सतीश प्रकाश, सतीश 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 सतीश, चलिए सतीश सतीश बस ऑडियो बंद, सतीश दलित की बेटी के साथ बलात्कार, सतीश प्रकाश एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्या 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 अखिलेश यादव, चलिए बस करिए ना, सतीश प्रकाश, सतीश प्रकाश, क्या अखिलेश यादव बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनावों में जिन्ना और पाकिस्तान की एंट्री करा रहे हैं? देखिए अमन जी 100% अच्छा दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है, ये बीजेपी का पॉलिटिकल ट्रैप है, मिले हुए हैं योगी और अखिलेश, मिले हुए हैं, नहीं फंसना चाहिए, अच्छा योगी अखिलेश मिले हुए हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं, कहीं ना कहीं जो हालात है, एक धार्मिक जो अल्पसंख्यक वर्ग है उत्तर प्रदेश का, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से भयभीत है, और बीजेपी ये मान के चलती है कि वो उसको वोट नहीं देगा, ठीक है ठीक है, अब मैं मनीष जी के पास जा रहा हूँ, शौकत के पास जाना है, ना चुन जाए, कहीं ना कहीं उस वर्ग विचार ठीक ठीक टारगेट किया जा रहा है, उसको राजनीति से ठीक 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 ठीक, सवाल ये है, दूर किया जा रहा है, सवाल ये है मनीष जी, जो सतीश प्रकाश जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, शायद शौकत भाई भी उस तरफ इशारा कर रहे थे कि ये आपको फायदा पहुंचाता अल्टीमेटली, इसलिए आप लपक लेते हैं, चलिए एंट्री कराई अखिलेश जी ने जिन्ना की, एंट्री कराई अखिलेश जी ने पाकिस्तान की, एंट्री कराई अखिलेश जी ने तालिबान की, लेकिन ये आपको सूट करता है तो आप लपक लेते हैं, और ये आपकी मदद कर रहे हैं अल्टीमेटली अखिलेश जी, ये ऐसा सतीश जी का दावा है, दिव्य ज्ञान है ये कि मिले हुए आप दोनों। मनीष जी देखिए, दरअसल सपा हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बहुसंख्यक को जातियों में बांट दे और अल्पसंख्यक को मुसलमान बना दे, इसी की राजनीति करते हैं, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन्ना पाकिस्तान और आतंकवादियों से ये क्यों जोड़ना चाहते हैं इस मजहब को, और इनको भी इस मजहब को भी बदनाम करने का काम ये तीनों दल कर रहे हैं। और रहा सवाल पाकिस्तान का, तालिबान का, अमन जी बताइए विषय इतना हल्का है क्या? आखिर अगर कोई भी पार्टी या व्यक्ति पाकिस्तान की पक्षधरता करता है उत्तर प्रदेश की सरजमी से, तो यह राजनीतिक दल होने के नाते से और एक अगर नागरिक होने के नाते से भी हमारा एक कर्तव्य है कि ऐसे लोग को बेनकाब किया जाए।
जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी करते हैं, जो माफियाओं और आतंकवादियों का पक्ष लेते हैं, आर्थिक साम्राज्य खड़ा कराते हैं, जो भ्रष्टाचारी है, तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी का भी धर्म है और एक उनको लोकसभा में पहुंचाते तो ये तो ये कवर फायर करने के लिए आ गए, ये कवर फायर करने के लिए आ गए, इसीलिए की दशा हो रही है, ये कवर फायर कर रहे हैं आप। पाकिस्तान का बयान अखिलेश देते हैं, कवर सतीश प्रकाश कर रहे हैं, ये तीनों दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और जनता ये देख रही है, जनता समझ रही है और ये जो जाति और धर्म की राजनीति इस उत्तर प्रदेश और देश में इन तीनों दलों ने किया है। सतीश प्रकाश समाजवादी पार्टी को कवर फायर क्यों दे रहे हैं आप? कोई अलायंस है क्या SPBSP का? ये कोई अलायंस हो गया फिर से 19 वाला? देख रहा होगा मंच, ये 19 वाला अलायंस हो गया। सवाल पूछा है, ये 19 वाला अलायंस हो गया, बचाव नहीं कर रहा हूँ, कवर फायर दे रहे हैं अखिलेश जी को। और मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए एप्लीकेशन दी हुई है इन्होंने वहां पर कि इस उत्तर प्रदेश का 23% दलित और 20% अगर मुस्लिम जुड़ जाए तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। हमने ऐसी कोई बयानबाजी नहीं कही, हमने ये कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जनमानस के मुद्दों पे हो, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार कानून तो अखिलेश जी नहीं होने दे रहे, जनमानस के मुद्दे अखिलेश जी नहीं होने दे रहे, को भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए, आगे को भी चाहिए, को भी चाहिए। अब शौकत अली के पास जाना है, अब शौकत अली के पास जाना है। देखिए अब सुनिए, अब सतीश एक मिनट, क्योंकि शौकत अली ने किसी के बीच में नहीं बोला, इसलिए एक मिनट रुक जाइए। अब उन्होंने किसी के बीच में नहीं बोला, अब उनके बीच में भी कोई ना बोले, ठीक है? एक मिनट मनीष जी, पहले शौकत अली, अच्छा चलिए आप पहले 5 सेकंड, फिर शौकत भाई आपके पास आऊंगा, 5 सेकंड मांग रहे हैं वो। मैं ये बात 5 सेकंड में बस ये कहना चाहता हूँ, आप देख लीजिएगा, शौकत बोलते रहेंगे, सतीश जी की हिम्मत नहीं पड़ेगी बीच में टोकने की। ये 19 वाला अलायंस फिर से हो गया, पता नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, शौकत देखते हैं, ये चीज देखते हैं। शौकत भाई, इंटरप्ट करने की आदत नहीं किसी को, नहीं कोई नहीं बोलेगा आपके बीच में, शौकत भाई कोई नहीं बोल, वो कह रहे हैं कि जैसे अखिलेश जो जिन्ना है वैसे तो वो कायदे आजम पाकिस्तान का, लेकिन अखिलेश जी के लिए फायदे आजम हो गया, ये अवनीजेश अवस्थी कह रहे थे, आपको सूट करता है इसलिए बार बार जिन्ना और पाकिस्तान की एंट्री अखिलेश जी करा रहे हैं चुनावों में, क्यों करा रहे हैं? अमन जी, मैंने अभी पहले शब्दों में अपने कहा था कि एक अखबार में एक लाइन छपी हुई है कि पाकिस्तान से एक हवा चल रही है जिससे मुंबई को बहुत दिक्कत हो रही है, धूल आ रही है वहां से, आंधी चल रही है, लेकिन किसी ने भी उस पर बयान नहीं दिया है, चाहे देश के गृह मंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, और चिंता भी नहीं जताई कि ऐसी धूल पाकिस्तान से चलकर हमारे देश में और मुंबई में क्यों आ रही है। किसी ने सुन लिया? फिर इंटरप्ट करने लगे। अभी अपराधी ये बार बार अतीक का नाम लेंगे, बार बार मुख्तार अंसारी का नाम लेंगे, जरा इनसे इतना सब पूछ लीजिए कि ब्रजेश सिंह अपराधी है या नहीं, धनंजय सिंह अपराधी है या नहीं, नाम नहीं लेंगे, डरते हैं। आपको बताऊं अमन जी, जब ये पीसी हो रही थी, समीर पात्रा जी पीसी कर रहे थे, उन्होंने भी यही दो नाम लिए थे, उनकी नजर में मुख्तार अंसारी अपराधी है, अतीक अहमद अपराधी है, हम भी मानते हैं वो दोनों अपराधी है, लेकिन ब्रजेश सिंह अपराधी नहीं है, अपराधी नहीं है, उसको उसका नाम नहीं लेंगे। मैं मानता हूँ मुख्तार अंसारी अपराधी है, क्योंकि अपराध अभी सिद्ध नहीं हुए, सुन लीजिए, जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं वो सारे अपराधी हैं, आप अपने या नहीं है, ब्रजेश सिंह का नाम अपराधी है या नहीं, रिजवान जहीर ने तो समाजवादी पार्टी के चेयरमैन को मार डाला या नहीं है, नाम लेकर कहिए, मैं कह रहा हूँ अतीक अहमद पे दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं, मुख्तार पर दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं, जहीर पर दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं, अपराधी है या नहीं है? चलिए आप शौकत आप कंप्लीट करिए, मनीष जी एक मिनट रुक जाइए, शौकत को बोलने दीजिए, एक मिनट एक एक करके, सिर्फ शौकत आप बोलिए, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, कौन अखिलेश जी गुमराह कर रहे हैं?